नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कपालभाति क्रिया को लेकर के हम लोग हमेशा एक दृष्टि रखते रहे। जिन लोगों ने हमारा वीडियो पहले भी देखा होगा कि कपालभाति क्रिया का जो मौजूदा प्रक्रिया है वो मिडाइवल पीरियड यानी जब कपालभाति की संरचना हुई उससे ज़्यादा बिगड़ गई है। मिडाइवल पीरियड यानी हठयोग प्रदीपिका जब इस्तेमाल हुआ और पहली बार कपालभाति की चर्चा हुई तो हठ योगी स्वात्तम राम जिन्होंने पुस्तक की रचना की है, ग्रंथ का आकार दिया है, उन्होंने साफ कहा कि अगर आप नॉर्मल आसन प्राणायाम करते हैं तो कपालभाति क्रिया यानी षटक्रम की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कपालभाति नहीं, इसके अलावा जो पांच और षटक्रम के हिस्से हैं उसकी आवश्यकता नहीं। इसीलिए कपालभाति बहुत हद तक हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते रहे। और कपालभाति चूँकि फास्ट ब्रीदिंग है जिसमें आप जल्दी सांस लेते हैं जल्दी छोड़ते हैं, तो दोनों स्थिति में आप क्या है प्राण को बढ़ा नहीं पाते हैं। प्राणायाम करती है प्राण का आयाम करना यानी प्राण को नियंत्रित करना या विस्तार देना, लेकिन दोनों स्थिति में जब आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो दोनों स्थिति नहीं हो रही है। ना तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले पा रहे हैं ना ही प्राण को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी तरीके से कपालभाति सिर्फ शोधन क्रिया है, जैसा ग्रंथाकार कहते हैं कि वो नसल पासेस को क्लीन कर सकता है, उसका उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे स्थिति में आज वशिष्ठ योग आश्रम कपालभाति क्रिया में मूलभूत सुधार कर रहा है और ये सुधार जो प्राचीन व्यवस्था रही है प्राणायाम की उसको ध्यान में रख करके और जो एक्सेलेशन फोर्सफुल्ली है कपालभाति उसका जो बेनिफिट है उसको जोड़ करके किया जा रहा है। यानी प्राचीनता सनातन विद्या और आज की जो मिडाइवल पीरियड में स्वात्मराम स्वामी ने जो बताया उसको मिक्स करके कपालभाति का एक नया वर्जन आपके सामने रख रहा हूँ। वो जरूरत है आज की। होता क्या है कि जब आप फोर्सफुली एक्सेल करते हो तो उससे क्लियरेंस होता है बॉडी का, इसीलिए हमने कहा कि शोधन क्रिया है। इसीलिए जैसे आप खांसते हैं मैं एक ट्रायल करके आपको समझा रहा हूं ताकि क्लियर, ये क्यों होता है, शरीर ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो फंसा हुआ लंग्स में म्यूकस है कफ है वो निकल जाता है। ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस। आप जोर से छींकते हैं अच्छे, इससे भी क्या होता है आप एक एक्सेलेशन कर रहे हैं, फोर्स से एक्सेलेशन। जब आप फोर्स से एक्सेलेशन करते हैं तो जो चीज नहीं प्रवेश करनी चाहिए थी नाक के जरिए प्रवेश कर गई है तो छींक के द्वारा उसको बाहर कर देते हैं। तो पहली चीज ये साबित हो गई कि हाँ जब हम फोर्स से एक्सेल करेंगे तो वो ड्रेनेज का काम करता है, ड्रेनेज सिस्टम यानी क्लियरेंस करता है। बॉडी में कुछ गड़बड़ी है कफ है म्यूकस ऐसे लोगों के लिए लाभकारी है, लेकिन जो जल्दी सांस लेते हैं वो कहीं से लाभकारी नहीं है। इसीलिए संशोधित कपालभाति की अनिवार्यता आन पड़ी है। तो आज हम संशोधित में क्या करेंगे कि आप प्राण का आयाम और नियंत्रण करेंगे, जो प्राणायाम की व्यवस्था यानी इनहेल लॉन्ग जब आप कपालभाति करने जा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक्सेलेशन का काम करेंगे हम लोग और फिर फोर्सफुली एक्सेल करेंगे या तो नासिका से या मुख से, देखेंगे पहले प्रक्रिया को। कपालभाति का नया संशोधित रूप, पहले इसमें आप जितना धीरे धीरे लंबी गहरी सांस ले, याद रहे जितना हम सांस धीरे लेंगे उतना ज्यादा हो पाएगा। जैसे सिरिंच में अगर ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वो जितना धीरे धीरे खींचता है उतना ज्यादा सिरिंच में ब्लड भर पाता है। अगर वो जल्दी खींच देगा तो टेस्ट करने में जो ब्लड की आवश्यकता है वो नहीं पूर्ति हो पाएगी। उसी तरह अगर हम सांस को जल्दी खींचेंगे तो सांस ऑक्सीजन ज्यादा नहीं आएगा तो नुकसान होगा, ब्रेन भी हिल जाएगा। अगर हम बहुत धीरे करते हैं तो मन में शांति आती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा हो पाएगी, लंग्स की भरपूर कैपेसिटी का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि याद रहे 300 मिलियन बैलून जैसा चैम्बर है लंग्स में जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं अगर हम जल्दी सांस लेते हैं तो आप देखेंगे कि सांस को मैंने पहले लिया कैसे, फर्स्ट लेना,
तो ये प्रोसेस है कि बहुत धीरे धीरे सांस लेंगे। अब ऐसे लोग जिनको कफ की समस्या है, लंग्स में कफ भरा रहता है, लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, वो इसको फोर्सफुली एक्सहेल करें, यानी सांस लिया अब फोर्स से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे। दो तीन तरीका मैं बताऊंगा। तो जितना एक्सहेल किए, अगर एक्सहेलेशन जल्द लंबा नहीं हो पाता है, लेकिन लेना बहुत देर तक है, अगर लंबा एक्सहेलेशन नहीं हो सकता है तो आप मुंह को फोल्ड करके एक्सहेल करें। जैसे एक बार लंबी गहरी लिया सांस, तो या जैसे खांसते हैं उस तरीके से भी आप सांस को हा हा साउंड निकाल रहे हैं, सांस लिए कुछ देर आप करेंगे तो खांसी जैसी फीलिंग भी आएगी और कफ बाहर निकलेगा। तो खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए बनाया हूं जो जिनको कफ की समस्या है। अभी कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि उनको लंग्स का इस तरह का इशू है, बहुत ज्यादा कफ बनता है, तो उनके ध्यान में रख करके इस वीडियो को तैयार किया है कि कपालभाति का संशोधित रूप। तो आप समझ गए, लेना देर तक है, फोर्सफुल्ली एक्सहेल करना है, लेकिन वो एक्सहेलेशन देर तक हो उसके लिए या तो आप नासिका से सांस छोड़ें या मुंह से इस तरह से, या हा साउंड निकाल के। ये तीन तरीका है, आप तीनों तरीका में जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद फिर लंबी गहरी सांस लेनी है। तो इसका आपको लंबी गहरी सांस का लाभ मिल जाएगा, और जो शुद्धि करनी थी कफ वालों को, लंग्स की डिजीज वालों को, उनको शुद्धि भी हो जाएगी। तो दोनों तरीका फोर्सफुली, कपालभाति में क्या होता है, ये गलत तरीका जो बताया गया है कपालभाति को, उससे नुकसान हो रहा है एक। दूसरा, मिडाइवल पीरियड में भी बेग युक्त कपालभाति, बेग युक्त रेचक और पूरक कहा गया था, जो समान तरीका है करने का, जो कपालभाति समान तरीके से करना चाहते हैं, जैसे तो मैंने लिया भी और फिर छोड़ा उसी तरह से, पेट को अंदर किया बाहर सांस किया, लेकिन इनहेलेशन नहीं हो पाता, इसलिए इनहेलेशन को लॉन्ग करने के लिए यह प्रक्रिया बनाया। आगे के हम वीडियो में बताएंगे कि और क्या क्या टेक्निक है, अगर लंग्स में बहुत ज्यादा कफ भरता हो, अशुद्ध हो, लंग्स को बेहतर कैसे किया जा सकता है ब्रीदिंग को जोड़ करके, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस संशोधित रूप को आप करते रहिए। एक सवाल उठेगा कि क्या मुंह से सांस छोड़ेंगे इस तरह से नुकसान नहीं है, याद रखिए सांस लेंगे अगर मुंह से तो नुकसान है, क्योंकि नाक के नासिका के अंदर चार तरह का फिल्टर लगा रहता है जो सांस को फिल्टर करते करते अंदर के तरफ जाने देता है और एक स्वच्छ हवा हमारे अंदर पहुंच पाता है, लेकिन मुंह से सांस लेंगे तो ये चार वेव फिल्टर जो है नहीं मिल पाएगा। इसलिए लेना नहीं है, छोड़ आप किसी भी तरीके से ले रहे हैं, नाक से छोड़ दीजिए या मुंह से छोड़ दीजिए, कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन नॉर्मल लोग नाक से भी छोड़ें। जो इनको स्पेशल कंडीशन है उनके लिए मैंने कहा है कि मुंह से छोड़े, तो लंबी गहरी सांस और फोर्सफुली सांस एक्सहेल करें, जो तीन तरीका है, और इसको अजमा करके हमको बताइए कि इस तरह का संशोधन आपको कैसा लगा, और अगर लाभ पहुंच रहा है आपको और पहुंचेगा ही, तो इस नए संशोधन को मैक्सिमम लोगों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।